हे एवरीवन, स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस की एक और नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं स्टॉक एनालिसिस की डेली वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक आया है हमारे पास बर्जर पेंट। आप देख सकते हैं बर्जर पेंट का यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन कर रखा है और बर्जर पेंट 625 के लेवल से डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तीन दिन से ये एक सिमिलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। 15 में टाइम फ्रेम पर इसके लेवल मैं आपको बताता हूँ। 15 में टाइम फ्रेम पे 625 से लेकर 626 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है और 612.50 से लेकर 615 इसका एक सपोर्ट एरिया है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है और अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ पे एक अच्छी बेरिश कैंडल फॉर्म करता है और अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, तो 612.50 के लेवल के नीचे हम एक सेल की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 596 विद द SL ऑफ 3-4 पॉइंट। इन केस इसने अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं किया, ये थोड़ा सा फ्लैट खुला और यह गैप अप खुल गया और अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास गया जो कि इसका एरिया है 625 का, और यहाँ से इसने एक रिवर्सल पैटर्न शो किया, जैसे कि अपना शूटिंग स्टार हो गया या बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे हम इसके रेजिस्टेंस एरिया पे भी इसे शॉर्ट कर सकते हैं। जब ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो इसका पहला टारगेट हो जाएगा अपना 612.50 का और उसके बाद दूसरा टारगेट हो जाएगा अपना 596 का। इन केस इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया और यहाँ से ये ऊपर निकल गया तो हम इसे छोड़ देंगे, फिर हम इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा स्टॉक आया है हमारे पास हीरो मोटो। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे ओपन हो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बाइंग ट्रेंड में है ये और सक्सेसफुली ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है 2560 का। 15 में टाइम फ्रेम पे इसके जो लेवल निकल के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2560 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है और 2520 इसका एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो इसमें दो तरह से ट्रेड कल बन सकती है। कल अगर ये फ्लैट खुलता है और नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया के पास कोई रिवर्सल पैटर्न पे हम इसे बाय कर सकते हैं। कोई भी रिवर्सल पैटर्न जैसे बुलिश इंगल्फिंग या हैमर हो गया, तो यहाँ पे अगर कोई अच्छी कैंडल सस्टेन करती है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता है, तो हम इसको सबसे पहला टारगेट के लिए प्लान करेंगे 2560 जो कि इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। और उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक कर देता है तो इसका जो टारगेट निकल के आता है रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर वो इसका निकल के आ रहा है 2580 का जो कि इसका नेक्स्ट टारगेट है। इनकेस ये नीचे नहीं जाता है और यहां से ही फ्लैट खुल के ये ऊपर जाता है और अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है, यहां पे एक अच्छी स्ट्रांग बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है 2560 के लेवल के ऊपर, तो हम सीधा सीधा टारगेट प्लान करेंगे 2580। दोनों ही केसेस में इसमें SL जो रहेगा वो 10 पॉइंट का रहेगा। तीसरा स्टॉक आया है हमारे पास वेदांता। वेदांता का यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन हो रखा है। वेदांता में कल बहुत ही अच्छी मूव आ सकती है क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है ये। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं मार्च से लेकर अभी मई चल रहा है और ये अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। 15 में टाइम फ्रेम पर इसका जो सपोर्ट एरिया है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सपोर्ट एरिया है 15 में टाइम फ्रेम पर वो है 274 से लेकर 274.50 का। ये इसका 50 पैसे का सपोर्ट एरिया है। कल अगर ये फ्लैट खुलता और अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म कर देता है और 274 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो कल इसमें बहुत ही अच्छी मूव आ सकती है जो कि इसको सीधा सीधा लेके जाएगी 270 के आसपास। तो सीधा सीधा 4 पॉइंट की इसमें हमें मूव मिल सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए कल ये 275.50 जो कि इसका प्रीवियस स्विंग है इसके ऊपर नहीं ओपन होना चाहिए। ये थोड़ा सा फ्लैट या इसी एरिया के आसपास ओपन होना चाहिए और उसके बाद इसको यहाँ नीचे ब्रेक करना चाहिए, तो हम इसमें सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। कल ये गैप अप खुल गया या 275.50 के लेवल के ऊपर निकल गया तो हम इसे छोड़ देंगे, फिर हम इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सीधा सीधा 4 पॉइंट का हमारा इसमें टारगेट रहेगा और 1 से 1.5 पॉइंट का इसमें हम SL रखेंगे। आई होप आपको सारे स्टॉक के लेवल अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।